एक्शन फिल्म है और आकाश की डेब्यू है. मैं इसको बधाई देती हूँ और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ही डज मैनी मोर फिल्म्स. और बहुत अच्छी फिल्म लगी. महेश जी और मैंने कुरुक्षेत्र फिल्म की थी जो बहुत सक्सेसफुल थी, तो मैंने यही कहा कि जिस तरह से मैंने उनकी स्पिरिट देखी थी महेश जी की, महेश मांजरेकर और संजय दत्त की, जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, किस तरह से वो लोग ने उसको हैंडल किया था. वो लोग काम पे लगे रहे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन ट्राइंग टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. तो मैंने उन्हीं को अपनी मतलब उन्हीं से प्रेरणा ली और उन्हीं से देख के मैंने सीखा कि इस तरह से मतलब स्पिरिट अप रखनी चाहिए और इसी तरह से लड़ना चाहिए. और मैंने उसी तरह से किया. मैं 5-6 दिन मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन बीच में मैं काम करती रहती थी. तो मैंने महेश जी से वही कहा कि थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी, एंड ही सेज गुड, वी आर बोथ फाइटर्स एंड वी विल कंटिन्यू टू फाइट इन लाइफ. एंड आई वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट. एंड ये मेरा दूसरा दिन है. मैं ऑलरेडी एक दिन और इनका इनकी प्रमोशन में जा चुकी हूँ. मैंने ट्रेलर्स देख चुके हैं, सभी एक्टर्स से मिल चुके हैं. या एग्जैक्टली. और मैं एक्चुअली अपने आप को खुद बहुत इट्स माय फॉर्च्यून टू हैव महिमा मैम विद मी सेकंड टाइम, एंड शी इज विशिंग वेरी गुड विशेस टू मी. और ये मेरा सौभाग्य है मैं कह सकता हूँ. और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको यहाँ देख के, और इतनी प्यारी बधाइयां दी आपने. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. यू गोइंग टू डू वंडरफुल. एंड आई विश राडा द बेस्ट, एंड आई वांट एवरीबॉडी वाचिंग टू गो एंड वॉच राडा. इट विल बी इन थिएटर्स ऑन द 23rd ऑफ सितंबर. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सबसे पहले तो कि मेरा फर्स्ट मूवी है और लेजेंड महेश मांजरेकर जी ने विशेष दिए हैं, अपने सुधीर मुनगंटीवारनी जी ने मुझे विशेष दिए. तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मराठी मूवी होने के बावजूद इतने बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं. और मुझे ये आशा है कि पक्का सबको ये मूवी बहुत अच्छा लगने वाला है, सुपर डुपर हिट होने वाला है मूवी. मूवी में एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, ड्रामा सब कुछ मिलने वाला है और पब्लिक इज़ गोना लविंग इट. राडा मीन्स एक्चुअली हिंदी में भी वर्ड है ही राडा. तो इस बेसिकली राडा का मतलब होता है कि लफड़ा. तो जैसे गली में होता है मारा मारी ऐसे, तो उसको हम राडा बोलते हैं. जो नांदेड़ का एरिया है वहाँ पे ऐसे बहुत राडे होते रहते हैं. तो यही एक राडा हीरो के साथ ही होता है, बहुत बड़ा वाला, जबकि हीरो हेल्पफुल नेचर का होता है. लेकिन ये स्टोरी का सस्पेंस है जो अपने को एक मैसेज देता है कि राडा किस बेसिस पे हो सकता है, अपने फैमिलीज में भी हो सकता है और वो कितने बड़े लेवल पे हो सकता है. तो वो एक हमने दिखाने की कोशिश की है और बहुत ही प्यारा मूवी बना है. मिलिंद गुना जी सर है, निशिगंधा मैम है, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. और बहुत एक बोलते एक इंथुजियाजम जो होता है वो अंदर आ चुका है और काफ़ी एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठा है उनके साथ मेरा. ऐसे कभी फील नहीं हुआ है कि एक एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ. ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने हैं, इतना कोऑर्डिनेशन हमारा बन चुका है. हाँ, बहुत लोगों का तो मानना ये है कि ये एक्शन मूवी है ही नहीं. जब वो गाना सुनते हैं, हाँ, रोमांटिक गाना सुनते हैं, तो वो बोलते हैं यार ये हीरो इतना प्यार कर रहा है, एक सीन में मार रहा है, तो ये बेसिकली है क्या मूवी, एक्शन मूवी है या रोमांटिक मूवी है. तो मैं सिंगर्स को भी बहुत एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यारा गाना बनाया है, जिसमें से बहुत सारी पब्लिक कन्फ्यूज हो रही है कि मूवी की स्टोरी होगी क्या. लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सब इंक्लूडेड है, एक मिक्स मसाला आप कह सकते हो ये मूवी में मिलने वाला है. हीरो बनने के लिए मैंने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की है. जैसे कि ये एक्शन मूवी है तो एक्शन सीन्स मुझे करने थे, तो बहुत सारी वर्कशॉप, एक फ़ाइट ट्रेनिंग मैंने ली है. और इस मूवी को साउथ के बड़े बड़े फाइट मास्टर्स हमने लगाए थे, जैसे कि साहो मूवी तो पता होगी ना आपको. तो वो मूवी के जो फाइट मास्टर थे उन्होंने उनका योगदान इस मूवी में दिया है, भरपूर ट्रेनिंग दी है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और राडा बनाए. उनका एक स्पेशल अपीयरेंस भी है, वो एक गाने में है जो कि सुपर डुपर हिट होने वाला है, जिसमें हिना पांचाल भी है, गणेश यादव जी, गणेश आचार्य सर भी है, और उसमें थोड़ा सा मेरा भी है क्योंकि एज अ लीडिंग एक्टर मुझे भी करना ही था. तो बहुत प्यारा गाना है, वो भी आइटम सॉन्ग है एक्चुअली, मैनाचा पोपट झाला. आणि ॲक्च्युली मैनाचा पोपट गणेश सरनी केलेला आहे. खूप बहुत अच्छा गाना बना है. या महेश सर ने कहा है कि ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, वो यहाँ पे भीड़ थी तो उन्होंने प्रॉपर देखा नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज़ कहे मुझे कि यू हैव अ नाइस पर्सनालिटी एंड यू डोंट लुक 24. नमस्कार, मैं हूँ जोनाला स्वाती और ये है तुप्तेवार आकाश शेट्टी. हम आए हैं मुंबई आपके लिए राडा का प्रमोशन लेकर और प्लीज़ सेव द डेट 23 सितंबर फ्राइडे 2022. आपके नज़दीकी सिनेमा घर में ज़रूर जाइए और ये मूवी देखिए और लाइक एंड शेयर ऑन सोशल मीडिया. आपके रिव्यू ज़रूर दीजिए. राडा डालना ना भूलिए. या आपको राडा डालना होगा क्योंकि जो राडा का काम था हमने कर दिया. नाउ इट्स योर टर्न गाइस. असली राडा थिएटर्स में होगा. चला पाहुया 23 सितंबर 2022. बाय.
नमस्ते, मैं रितेश सोपानराव नरवाड़े। आने वाले 23 सितंबर को हमारा राड़ा फिल्म रिलीज़ होने जा रहा है। टोटल इसको साउथ की ट्रीटमेंट देने की मैं कोशिश किया हूँ। एज ए डायरेक्टर बोल के मेरे तरफ से हर चीज़ मैंने पूरी तरीके से निभाया हूँ। और इसमें जो मेरी टीम है, मेरे टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर दिनेश अर्जुना, बहुत अच्छे प्यारे मेलोडीज गाने उन्होंने बनाए वाले, जैसा कि जफर सागर है, प्यारे लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं उनके। और मैं चाहता हूँ कि गाने सब लोगों ने सुनना चाहिए। अभी हमारे यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं सॉन्ग, एक दो ही दिन हो चुके हैं। लोगों ने बहुत उनको प्रशंसा की है और अच्छे लेवल से सॉन्ग पसंद कर रहे हैं। हीरो की पहली फिल्म थी और आकाश शेट्टी हीरो का न्यू लॉन्चिंग है, उसका हेवी स्टंट हेवी एक्शन मराठी में मैं उसको रिलीज़ किया हूँ। और मराठी जनता आने वाले 23 सितंबर को हमारे राड़ा फिल्म को सर पे लेके नाचेगी, ऐसे मैं गुजारिश करता हूँ पूरे जनता को। और मैं विनती करता हूँ कि थिएटर में जाके सभी ने हमारा राड़ा चित्रपट देखना चाहिए, ऐसा मैं सब जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा नाम म्यूज़िक डायरेक्टर दिनेश अर्जुना है और राड़ा का मैंने 3 गाने किए हैं, राम शेट्टी निर्मित, रितेश सोपानराव नरवाड़े डायरेक्टर है। राड़ा के इस फिल्म में म्यूज़िक है, एक्शन है, इमोशंस है, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग जाके हमने देखना चाहिए थिएटर में। और फिलहाल तो गाने हमारे जो है बहुत वायरल हो रहे हैं, आपका आशीर्वाद है सब लोगों का। गाने अभी 2 गाने रिलीज़ हो गए हैं, टीवी पे चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और अभी कभी गणेश आचार्य साहब का गाना और हीना पंचाल का मेरा ही है। 3 गाने इस फिल्म में, 3 गाने मेरे हैं। एक है गणपति बप्पा का गाना, एक रोमांटिक मन पागल पागल झाले जी, और अगर अगर मैना तो, ऐसे 3 गाने मेरे हैं इस फिल्म में। सिंगर भी स्वप्निल बांदोड़कर, बेला शेंडे, मधुर शिंदे, जसराज जोशी, उसके बाद जसराज जोशी, ऐसे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और उर्मिला धनकर। और आने वाले 23 को सितंबर को सब लोगों ने जाकर थिएटर में ये फिल्म देखना चाहिए और हमारे सारे यूनिट को, फिल्म को आशीर्वाद देना चाहिए। नमस्कार जी, आदाब, मैं गीतकार जाफर सागर। फिल्म मराठी मूवी अपकमिंग राड़ा के 3 गाने मैंने लिखा हूँ। और इस फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर है राम शेट्टी जी, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जिन्होंने बहुत ही दिल से और बहुत ही जिंदा दिली से इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रितेश नरवाड़े जी, जिन्होंने इस फिल्म को एक नए अंदाज़ में, मराठी में एक नया अंदाज़ में पेश किया है, जिसको कि उन्होंने साउथ की एक्शन मूवी का जो हम देखते आ रहे हैं, जो सोनी मैक्स पे अक्सर हम फिल्म डब फिल्में देखते आए थे, लेकिन उन्होंने मराठी फिल्म को एक नए अंदाज़ में साउथ के स्टाइल में पेश किया, प्रेजेंट किया, जिसमें बहुत ही धमाकेदार एक्शन, बहुत रोमांस और मेलोडियस सॉन्ग, इमोशंस, लव स्टोरी, ड्रामा, ऑल पैकेज है। और इस फिल्म के हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं दिनेश अर्जुना जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा म्यूज़िक दिया है। और हमारे हम तमाम हमारे जो प्रोडक्शन टीम, हमारे जो सूरज फिल्म्स और हमारे जो प्रेजेंटर है रमेश जी का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इस काम में, इस प्रोजेक्ट में हमको हिस्सेदारी दी। और हम इस बड़े सबके सबसे हम लोगों पर विश्वास रखा, हम सब विश्वास रखा, हमने रखा और हमको ये काम दिया, उन्होंने काम दिया, उनके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत ही प्यारे गाने बने हैं और हम सब तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्टली कहेंगे कि आप आने वाले 23 सितंबर को थिएटर में जाकर ज़रूर ज़रूर विद फैमिली, विद फ्रेंड्स ग्रुप इस फिल्म को, राड़ा को एंजॉय कीजिए और बहुत ही आपका आशीर्वाद। इसमें खास बात यह है कि पूरा परिवार जाकर ये फिल्म देख सकता है। स्वच्छ, क्लीन, साफ सुथरी फिल्म है, पूरा एंटरटेनमेंट है, सब घर के परिवार के साथ हम देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग जाइए सिनेमाघर में जाइए और देखिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। इस फिल्म के 3 गानों में जैसे कि आपने देखा कि मौर्या मौर्या गाना
बस 3 दिन में ही 1 मिलियन क्रॉस कर गया है, और जिसे जसराज जोशी और उर्मिला अपने मधुर शिंदे ने गाया है। इसी तरह से इस फिल्म का हमारा एक गाना है आगे महीना तो अकड़ते इसका, यानी कि आज महीना तो पोपट था, जो गणेश मास्टर जी ने किया बहुत, और अपनी नेहा पांचाल जी के ऊपर गणेश जी पर पिक्चराइज किया गया है, हीना पांचाल जी पे। और इस फिल्म को, इस गाने को उर्मिला धमाकेदार म्यूज़िक दिनेश जी ने बहुत प्यारा म्यूज़िक से नवाजा है। इसी तरह से हमारा एक गाना है जो खास करके हम आप बताने चाहिए, यूथ के कलर का एक उसमें हमने फीवर रखा है, जो हमारे रितेश नरवाड़े जी राम जी ने खास करके रखा था, चाहा था कि एक रोमांटिक नंबर ऐसा हो जो बहुत प्यारा बन पड़ा है कि मन पागल सारे। ये सिनेमा घर में जाके देखिए और सुनिए, मन पागल पागल झाले, बहुत रोमांटिक गाना है और अभी चल रहा है टीवी पर, बहुत रोमांटिक गाना है जो सर। और इस फिल्म के लिए हमको बहुत सपोर्ट मिला हमारे डायरेक्टर साहब का, रितेश सोपानराव नरवाड़े, हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने, गले से लगा के हमसे काम करवाया, हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बढ़िया फिल्म है, 23 सितंबर को रिलीज होने वाली है, अपने करीबी सिनेमा गृहों में रिलीज होने के बाद राड़ा होने वाला है, तो राड़ा देखिए आप। बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है, एक टोटल एक्शन पैक्ड फिल्म है, और आपको इसमें साउथ इंडियन जो एक्शन होती है उसका धमाका इसमें दिखेगा। जनरली बॉलीवुड में ये दिखाई देता है, लेकिन अभी आपको एक मराठी फिल्म में भी दिखाई देगा। बहुत पावरफुल इसकी स्टोरी है, बहुत अच्छी लाविश इसकी प्रोडक्शन वैल्यू है, आई थिंक एवरीबडी विल लव दिस फिल्म। बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया है, ओवरऑल सब अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इसमें, गणेश आचार्य जी का भी इसमें गेस्ट अपीयरेंस है, सो ओवरऑल राम जी तो तुप्त जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अच्छा काम किया है, डायरेक्टर का अच्छा काम है। आपका रोल क्या है इसमें? मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है, आपको सब सस्पेंस है, आपको देखना ही चाहिए। मतलब बस अभी 23 तारीख बहुत नज़दीक आ रही है, 23 सितंबर को पूरा महाराष्ट्र में रिलीज होने वाला है, और आज माननीय मुख्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहब का आशीर्वाद मिला है, और उनकी तरफ से बहुत काफ़ी कुछ प्रमोशंस रिगार्डिंग उन्होंने लोगों का आह्वान किया है। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में काफ़ी ये मेरा मूवी काफ़ी हिट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसमें मेहनत किया है और मराठी से कुछ हटके करने की मैंने कोशिश की है, तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है सक्सेस मिलेगा। साउथ स्टाइल, बेसिकली मैं साउथ का ही हूँ, और जो आकाश है वो भी साउथ का ही है, तो कोशिश किया मराठी मूवी साउथ स्टाइल में कुछ करने की, आकाश को लॉन्च करने के लिए मैंने किया था। बेसिकली वो बचपन से काफ़ी पैशनेट था हीरो बनने के लिए, और गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटी भी है, तो डेफिनेटली वो साउथ स्टाइल के लिए एक परफेक्ट जो हीरो का लुक चाहिए था उसमें, तो उसने वो मेंटेन किया है। महिमा जी, यस यस, वो ब्लेसिंग्स के लिए, गुड विशेस के लिए वो आए हैं। महेश मांजरेकर साहब का भी काफ़ी सपोर्ट रहा ये प्रोजेक्ट बनाने में मुझे, और ट्रेलर लॉन्च में गुलशन ग्रोवर जी भी आए थे, और अभी वापस महिमा जी सेकेंड टाइम आए हैं प्रमोशन के हिसाब से।